दोस्तों मेरा नाम वकास राव, देख रहे हैं लाइफ इन यूके। आज मैं आ गया हूँ कोवेंट्री मेरे उन दोस्तों के लिए जो यहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं या रहना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में और यहाँ जॉब्स के बारे में, और मैं आपको कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में भी बताऊँगा। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिल सके। मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। अगर आप भी यहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए बता दूँ, यहाँ जो सालाना फीस है वो है तकरीबन 15,000 से 20,000 pounds। और अगर आप यहाँ से इनसे अकोमोडेशन भी लेते हैं, जो कि यूनिक अकोमोडेशन होती है, उसके लिए आपको तकरीबन 700 pounds मंथली देने पड़ेंगे। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ से अकोमोडेशन लेने की। अगर आप अपनी अकोमोडेशन बाहर जाके ढूंढें तो आप 300 से 400 pounds में ईजिली शेयरिंग में अकोमोडेशन ले सकते हैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर। तो अकोमोडेशन के लिए मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ आने अकोमोडेशन लेनी है तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर, दो या तीन दोस्त मिलकर आप बाहर जाके अकोमोडेशन लें, क्योंकि आपको इजीली 700 में यहाँ पर पूरा घर मिल जाता है जो कि 2 या 3 bedroom का होता है। तो उसमें आप इजीली शेयरिंग करके 2 या 3 लोग रह सकते हैं और इजीली 700 से 800 pounds में आपका वो कवर हो जाएगा। उससे आपका लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहेगा, स्टैंडर्ड भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब यूनिक अकोमोडेशन में रहते हैं तो आपको पता है कि आपको जो रूम है वो शेयर करना पड़ता है और वो रूम भी इतना बड़ा नहीं होता, और उसके लिए आपको यहाँ पर तकरीबन 100 से 150 pounds पर वीक देना होता है, जो तकरीबन 700 pounds तक बन जाता है, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा। तो बेस्ट तरीके यही है कि आप यहाँ से बाहर जाएं और शेयरिंग में अपना खुद घर ढूंढें। यहाँ आसपास बहुत घर हैं जो इस पर किराए पर मिल रहे हैं, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा भी। दोस्तों अगर आपको घूमना फिरना पसंद है और रात में आउटिंग करना पसंद है तो मैं आपको बता दूं, कोवेंट्री इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है, क्योंकि यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही स्लो है और यहाँ पर रात में निकलने के लिए कहीं भी नहीं होता। बट ग्रीनरी के लिए, स्पेस के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप बाहर जा सकते हैं, आप लैंडस्केपिंग देख सकते हैं, बट नाइट लाइफ के लिए ये जगह आपके लिए नहीं है। और यहाँ अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपके पास गाड़ी मस्ट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो ट्रैवलिंग सिस्टम है वो भी इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बसेज हैं वो एवरी 15 to 20 minutes के बाद आती हैं। तो गाड़ी मस्ट है, वरना आप इलेक्ट्रिक स्कूटर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आज स्टूडेंट्स के लिए। कोवेंट्री की टोटल पॉपुलेशन है 4 lakh और यहाँ बहुत ही ज़्यादा मिक्स कल्चरल लोग हैं। तो अगर आप इंडिया पाकिस्तान से या बांग्लादेश से यहाँ के पढ़ना चाहते हैं तो आप अपने घर को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली फेसेस मिलेंगे। लेकिन एक बात मैं अपने दोस्तों को बता दूं, अगर आप यहाँ आकर काम करना चाहते हैं तो जॉब के लिए ये बहुत अच्छी जगह नहीं है, तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है यहाँ जॉब ढूंढने के लिए। यहाँ आपको 9 pounds 10 pounds पर आवर पे जॉब मिल जाएगी अगर आप यहाँ स्टूडेंट हैं और 20 hours आपको अलाउ है, बट फिर भी सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपने अकोमोडेशन कैसे लेनी है ताकि आपको कम अज़ कम अकोमोडेशन में यहाँ पर पैसे बच जाएँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अकोमोडेशन यूनी से लेते हैं तो वो आपको बहुत ही महंगी पड़ेगी। बट आजकल यूके में बहुत ही ज़्यादा वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसमें आप 10 से 12 पाउंड पर आवर पे कर सकते हैं काम और आप कमीशन भी ले सकते हैं। उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आपने वर्क फ्रॉम होम कैसे करना है और कमीशन जॉब कैसे करनी है, क्योंकि अगर आप 20 hours पर कमीशन जॉब करते हैं तो आप ईजिली 1500 pounds तक यहाँ पर कमा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी इनकम है अगर आप यहाँ एज ए स्टूडेंट रह रहे हैं। और ये है कोवेंट्री का सिटी सेंटर, जो कि आपकी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आप यहाँ पर वॉक करके 15 टू 20 मिनट्स में ईजिली आ सकते हैं, और यहाँ पर वो सारी एसेंशियल शॉप्स हैं जो आपको चाहिए होती हैं रहने के लिए कहीं पर। आप यहाँ पर फूड शॉपिंग भी कर सकते हैं, आपके पास इंटरटेनमेंट भी है, आपके पास तमाम वो शॉप्स मौजूद हैं जो आपको चाहिए होती हैं कहीं भी अच्छे तरीके से रहने के लिए। दोस्तों ये है आपकी स्टूडेंट अकोमोडेशन, अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन ही प्रेफर करते हैं तो ये है आपकी स्टूडेंट अकोमोडेशन। तो दोस्तों जैसे कि आज मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि आप अगर कोवेंट्री में आ रहे हैं और यहाँ पर रेंट करना चाहते हैं तो अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन लेते हैं तो वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी, तकरीबन 700 pounds पर मंथ आपको सिर्फ आपके एक बंदे के रूम का पड़ेगा। बट आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग जैसे 3 लोग मिलकर अपना 3 bedroom house ले सकते हैं। 3 bedroom house कोवेंट्री में आपको 900 से लेकर 1100 pounds तक मिल जाएगा, और उसमें जब आप अपना शेयर करेंगे तो 300-350 pounds या 400 pounds में आपका सब कुछ कवर हो जाएगा और वो पूरा घर आपका होगा। और जैसे मैंने आपके लिए एग्जांपल्स निकाल कर रखी हैं, तो पहले एग्जांपल देखते हैं। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत घर है, यहाँ पर 1100 इसका किराया है, 3 bedroom house है, तो आप सबका अलग अलग कमरा होगा, 2 baths हैं, 1 reception room है जहाँ आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी बिठा सकते हैं। काउंसिल टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन आप अगर फुल टाइम स्टूडेंट हैं तो आप 20% काउंसिल टैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आपके पैसे बचेंगे। अगर किराया 11
1500 है तो तकरीबन आपको 200 पाउंड बिल्स के लगेंगे, जिसमें वाटर, गैस, इलेक्ट्रिक एंड काउंसिल टैक्स इंक्लूडेड होता है। बट आप अपने काउंसिल टैक्स पे 20% डिस्काउंट ले सकते हैं। तो तकरीबन ये घर आपको 1300 का पड़ेगा। तो 1300 को अगर आप तीन लोग में डिवाइड करें तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपना स्टूडेंट अकोमोडेशन लेते हैं, जो कि आपको तकरीबन 700 पाउंड का पड़ेगा। तो मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ यहाँ आने वाले स्टूडेंट्स को या आने वाले वर्कर्स को कि आप इस तरह से शेयरिंग करें। एक और मैं आपको ऐड दिखाता हूँ, अगला भी मैंने ऐड आपके लिए निकाल के रखा है। ये 1000 पाउंड का घर है, 3 बेडरूम ये भी घर है। इसमें भी आप देख सकते हैं 3 बेड 1 बाथ 1 रिसेप्शन, जो इसका डिपॉजिट है वो आपने देना है 1150। काउंसिल टैक्स बैंड ए है, मतलब इसका काउंसिल टैक्स बहुत कम है, सस्ता है। ए जो होता है वो सबसे कम होता है, बी में फिर ज़्यादा होता है, फिर सी डी ई तक जाता है। तो जितना ऊपर जाएगा उतना काउंसिल टैक्स बढ़ता जाएगा। इसमें भी आपने वही करना है, 3 बेडरूम है, 3 लोग आप मिलकर ले लें, 3 दोस्त मिलकर ले लें, तो आपको इस तरह की शेयरिंग बहुत सस्ती पड़ेगी। और इसका आप पोस्ट कोड देख सकते हैं, यह है CV3। तो ये आपकी जो यूनिवर्सिटी है या सिटी सेंटर है कोवेंट्री का, उससे तकरीबन 10 या 8 मिनट की ड्राइव है, जो कि बहुत ही करीब है। अगर आप बस से जाएंगे तो आपको 20 मिनट लगेंगे। और अब मैं आपको अपना अगला ऐड दिखाता हूँ, ये भी मैंने आपके लिए निकाल कर रखा है। खूबसूरत 3 कमरों का घर है, 925 इसका किराया है। आपने इसमें भी वही करना है, आप शेयरिंग करके रह सकते हैं। काउंसिल टैक्स का बी है, लेकिन आप 20% डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप यूके में हैं और आपके यहाँ पर कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है ऑलरेडी, तो आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं, स्पेयर रूम। यहाँ पर जाके आप बडी अप्स कर सकते हैं। यहाँ आप जाके कमेंट्री लिखेंगे और आपके सामने सारे एड्स आ जाएंगे जो जो लोग बडी अप्स करना चाहते हैं, या आप अपना घर लेकर उसके बाद फ्लैटमेट्स ढूंढ सकते हैं। बट मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि आपके पास जब फ्रेंड हो तभी आप घर लें, क्योंकि अगर आप पहले घर ले लेंगे और फिर फ्रेंड्स के लिए वेट करेंगे तो जब तक आपके फ्रेंड्स नहीं आ जाते तब तक तो आपको खुद किराया उसका देना पड़ेगा, जो आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो आप ये कर सकते हैं, जब आपके फ्रेंड्स हों तो आप ज़ूफला की वेबसाइट पर जाके अपना घर ढूंढ सकते हैं। बहुत ईजिली घर मिल जाते हैं यहाँ पर। अगर आपके फ्रेंड्स नहीं हैं तो पहले आप यहाँ पर बडी अप के लिए ऐड डाल सकते हैं, और उसके बाद जब आपको फ्रेंड्स मिल जाए तो आप सब मिलकर आपस में घर ले सकते हैं। तो गाइज, ये मैं हमेशा आपको प्रेफर करता हूँ। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, अपनी एक मेरी रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने एक शॉर्ट रिव्यू किया है कोवेंट्री के बारे में, जिसमें मैंने कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के बारे में बताया है, अकोमोडेशन के बारे में बताया है, जॉब्स के बारे में बताया है, और थोड़ा सा लाइफस्टाइल के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहूंगा जिससे आपको हेल्प मिल सके।